वेलकम टू माय चैनल नीति का स्टडी पॉइंट। मैं हूं नीति और आज हम जानने वाले हैं डायलिसिस के बारे में। हम जानेंगे डायलिसिस क्या है, इसका प्रोसीजर किस प्रकार से है, टाइप्स कितने हैं और देखेंगे ये कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए जिसकी जो किडनी है वो डैमेज हो चुकी है। चलिए जानते हैं आखिरकार डायलिसिस है क्या। डायलिसिस अगर हम देखें तो एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हमारे बॉडी के वेस्ट जो प्रोडक्ट हैं, साथ ही बॉडी के अंदर जो एक्सेस फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, उसको बाहर निकाला जाता है हमारे शरीर से। यहाँ पे अगर देखें तो जो डायलिसिस की प्रोसेस है उसे किडनी पेशेंट के बॉडी में किया जाता है। मतलब कि जिस इंसान की किडनी अगर ख़राब हो गई है या फिर डैमेज हो गई है, उसका जो फंक्शन है वो अच्छे से नहीं कर पा रही, तब यहाँ पे जो डायलिसिस है वो की जाती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसके फलस्वरूप यहाँ एनर्जी बनती है और दूसरे जो आवश्यक पदार्थ हैं वो भी बनते हैं। इस दौरान यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट भी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है बाय प्रोडक्ट के रूप में, और इस जो बाय प्रोडक्ट है या कहें वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो शरीर से बाहर ना जाए तो हमारे बॉडी में ये धीरे धीरे इकट्ठे होते जाएंगे और हमारा जो बॉडी है वो डैमेज हो जाएगा और यहाँ तक कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से किडनी के द्वारा छाना जाता है या फिर फिल्टर किया जाता है और इसे यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब कि यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बट यहाँ पे अगर देखें तो कई इंसान होते हैं जिनकी किडनी जो है वो अपना काम करना बंद कर देती है या फिर कहें पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन का काम है वो नहीं हो पाता और ब्लड में ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो धीरे धीरे जमा होने लग जाते हैं और इन वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा निकाला जाता है जिसे कहा जाता है डायलिसिस। डायलिसिस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और या फिर अच्छी प्रोसीजर है ऐसे पेशेंट के लिए जिसकी किडनी ख़राब हो गई है। अगर डायलिसिस की प्रोसेस ना होती तो यहाँ पे जो पेशेंट है जिनकी किडनी ख़राब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, वो मर जाते। बट डायलिसिस एक वरदान है ऐसे लोगों के लिए जिनकी किडनी जो है वो अपना कार्य करना बंद कर चुकी है। तो चलिए देखते हैं डायलिसिस के बारे में और डिटेल से। चलिए देखते हैं क्या ये जो डायलिसिस की प्रोसेस है वो लाइफ टाइम चलती है किसी भी पेशेंट के लिए। अगर देखें तो सभी लोगों के लिए ये जो प्रोसीजर है वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं चलती। अगर एक्यूट किडनी फेलियर है, मतलब कि यहाँ पे देखें अगर किडनी से रिलेटेड किसी इंसान की ट्रीटमेंट चल रही है और किसी एक पीरियड के दौरान अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो उस दौरान डायलिसिस किया जाता है, और जब भी किडनी का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है और किडनी जो है वो अपना काम करना चालू कर देता है तब इस डायलिसिस की जो प्रोसेस है उसको बंद कर दी जाती है। बट यहाँ पे क्रोनिक और इंड स्टेज किडनी फेलियर हो, जब हमारा किडनी जो है वो कम्प्लीटली ख़राब हो जाए, काम करना बंद कर दे, तब डायलिसिस की प्रोसेस की जाती है, वो भी ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम ये जो प्रोसीजर है वो चलती रहती है। डायलिसिस की अगर बात करें कितने टाइप की डायलिसिस होती है, यहाँ पे दो टाइप के होंगे। पहला है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। चलिए देखते हैं इन दोनों को डिटेल से। हीमोडायलिसिस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलाइजर जिसे कहा जाता है उसकी हेल्प से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसमें शरीर के बाहर एक मशीन होती है जिसे आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलाइजर कहा जाता है, उसकी हेल्प से ये सब प्रोसीजर जो है वो किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसके यहाँ उसके जो आर्म है या लेग है, पैर हैं या फिर यहाँ पे कहें बाजू में, एक माइनर सर्जरी की जाती है जिसमें कि हमारा जो आर्चरी और वेन है उसको जॉइंट कर दिया जाता है और फिस्टुला का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। मतलब कि आर्चरी और वेन, धमनी और सीरा को एक जगह पे जॉइंट कर देते हैं एक सर्जरी के थ्रू, और यहाँ पे क्या होता है, इस स्थान पे अब जो हमारा ब्लड है बॉडी के अंदर उसको
इस स्थान से शरीर के बाहर निकाला जाता है और हीमोडायलाइजर में इसे फिल्टर किया जाता है। अब जो हीमोडायलाइजर जो है वो शरीर के अंदर से आई हुई जो ब्लड है उसको फिल्टर करता है और जो एक्स्ट्रा वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं, उसको छान कर बाहर ही रख लेता है और जो फिल्ट्रेड वाले हमारे ब्लड हैं जो कि बॉडी के अंदर जाने चाहिए उसको वापस जो है ब्लड हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें छोड़ देता है। तो इस प्रकार से जो प्रोसीजर है हीमोडायलिसिस की वो की जाती है। नेक्स्ट प्रोसीजर होगा यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस ऐसी प्रोसीजर है, प्रक्रिया है जिसमें जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है उसे शरीर के अंदर ही कर दिया जाता है। हीमोडायलिसिस में क्या था, ब्लड को शरीर से बाहर निकाला जाता था और शरीर के बाहर फिल्टर किया जाता था और फिर उसे अंदर ही बॉडी के अंदर फिर से डाल दिया जाता था। इस प्रोसीजर में अगर हम देखें तो डॉक्टर जो हैं वो एक छोटी सी सर्जरी करते हैं हमारे पेट के निचले हिस्से में, पेरिटोनियल कैविटी जिसे कहा जाता है, और यहाँ पे एक ट्यूब या फिर नली जो है उसे इसमें डाल देते हैं जिसे कहा जाता है कैथेटर। तो ये जो ट्यूब था जिसे कहा गया कैथेटर, उसकी हेल्प से अब डॉक्टर एक लिक्विड जो है डायलिसिस लिक्विड है या फिर डायलिसिट है उसे शरीर के अंदर डाल दिया जाता है और कुछ घंटे तक इस जो लिक्विड है उसको हमारा जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर ही रख दिया जाता है। अब क्या होता है, जो अंदर में हमारा लिक्विड था वो वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से एब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में इस जो लिक्विड है जिसे डायलिसेट कहा जा रहा था उसको शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस डायलिसेट या फिर जो डायलिसिस लिक्विड है उसके साथ वेस्ट जो प्रोडक्ट है उसको भी शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है और इस प्रकार से हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है। अगर यहाँ पे ये जाने कि क्या कोई डायलिसिस पेशेंट है जो डायलिसिस की प्रोसीजर करवाता है वो अपना लाइफ अच्छे तरीके से नॉर्मल तरीके से जी सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, कर सकता है, नॉर्मल तरीके से अपना जीवन यापन कर सकता है। बट यहाँ पे कई डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है उसको, उसके काम को लेकर, उसके डाइट को लेकर यहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा खास तरीके से सुझाव दिया जाता है ताकि जो दिक्कत है वो ना बढ़ पाए। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो डायलिसिस जो जिस पेशेंट के द्वारा कराया जा रहा है उसको यहाँ पे पानी की जो है वो मात्रा बहुत ही लिमिट दी जाती है, साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम का जो इंटेक है उसको भी बैलेंस तरीके से करवाया जाता है ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बॉडी में ना बन पाए और इंसान को यहाँ दिक्कत ना हो। अगर यहाँ पे देखें तो क्या जो डायलिसिस वाला पेशेंट है वो अपना काम कहें, जॉब कहें, अच्छे से कर सकता है, तो यहाँ पे आंसर होगा हाँ, कर सकता है। बट ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि डायलिसिस वाले जो पेशेंट हैं उनको हैवी वर्क से बचना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप लिफ्टिंग डिगिंग हो गया, जो फिजिकल वर्क जो लेबर करते हैं, अगर उस प्रकार का आपका जॉब है तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ऐसे जॉब में जाना चाहिए जो कि थोड़ा कंफर्टेबल हो और आपका जो बॉडी है उसको ज़्यादा वर्क करना ना पड़े। तो इस प्रकार से जो डायलिसिस है वो किडनी पेशेंट के लिए वरदान की तरह कार्य करता है और इसी की हेल्प से जो इंसान है जिसका किडनी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है वो अपना लाइफ अच्छे से जीता है। आज का हमारे इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो बॉडी के किस ऑर्गन के द्वारा किया जाता है, किडनी, हार्ट, लीवर या फिर स्टमक? आंसर कमेंट करके दीजिए, जरूर ही दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर ही कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।